हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मनु की हेल्दी किचन में आप लोगों को वेलकम है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है बीफ हलीम। बहुत जल्द बन जाने वाला और बहुत ही मज़ेदार सा, तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये बीफ लिया हुआ है और बोनलेस है ये, और इसके इतने बड़े बड़े पीसेस मैंने रख दिए, आप देख सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा पीस होगा उतना ही अच्छा रेशा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमन सीड्स पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, और ये मैंने चिकन क्यूब्स लिए हैं 4, ठीक है। और इसके अलावा ये अदरक लहसुन 4 टेबलस्पून, दही ले रही हूँ मैं 1 कप, और प्याज मैं 3 मीडियम साइज़ किए हैं ये, और ये साथ ही मैंने ग्राइंड किए हुए टमाटर रखे हुए हैं 6 मीडियम साइज़ के, ठीक है। चल शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप तेल लिया है और मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, ताकि बीफ का है तो आसानी के साथ गल सके गोश्त, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं 3 मीडियम साइज़ किए हैं, इसके स्लाइस काट लिए हैं। और दूसरा ये कि इस प्याज को हमें ज़्यादा, मतलब समझ लें, तलना नहीं है, डार्क कलर नहीं करना है, बस मीडियम साइज में रखना है, ताकि हमारा जो सालन तैयार हो वो काले रंग का ना हो, डार्क कलर का। ये बीफ मैं इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 2 किलो है ये, बोनलेस है, ताकि जो है हम इसको ग्राइंड करेंगे इसमें, ताकि जल्दी से हम पिसा हुआ हो जाए गोश्त, तो हड्डी अगर होगी तो हमें निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए बोनलेस ले लें, वही ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। चलिए चलें, बाकी के जो मसाले हैं वो मैं इसमें डालती चली जाती हूँ। अदरक लहसुन 4 टेबलस्पून में इसमें डाल रही हूँ, ये 4, ठीक है। इसको भी मैं इसमें अच्छी तरीके से चला लेती हूँ, ताकि गोश्त को लग जाए अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर सफ़ेद सा होने लगा है। अब ये जब इस कंडीशन में आ जाए तो हमें नमक मिर्च वगैरह डालना है, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं मसाले डालना। यहाँ पर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 2 टेबलस्पून, जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, और मैं इसको सालन में, ये जो क्यूब्स मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं नमक नहीं डाल रही, नमक की जगह पे ये चिकन क्यूब्स में इसमें डाल रही हूँ, ये 4 मैं इसमें डालूँगी। और अगर आप ये ना डालना चाहें तो इसकी जगह पर आप 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल दीजिए, क्योंकि चिकन क्यूब्स डाल के एक फ्लेवर जो होता है, टेस्ट जो होता है, वो अच्छा हो जाता है। तो ये आपकी मर्ज़ी पर है, आप नमक डालें चाहे क्यूब्स डालें चिकन, ठीक है। चल अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मसालों को साथ साथ मिक्स करते चले जाएं तो अच्छा रहता है, क्योंकि अब इसमें हम डाल रहे हैं, ये दही है 1 कप, और ये जो टमाटर मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे 6 मीडियम साइज के हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। चलिए सब इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसको, क्योंकि इसको हम कुकर को बंद करेंगे, बार बार ही चांस नहीं होगा कि हम चमचा चलाते जाएं और गोश्त को मिक्स करते चले जाएं, तो एक ही दफ़ा में इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम कुकर को बंद करें। कुकर का टाइमर आप अपने हिसाब से रखिएगा, कि अगर आपका कुकर जल्दी गोश्त को गला देता है तो कम टाइम के लिए, यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए, 30 से 40 मिनट के लिए बंद करें, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर अब हम इसकी दालें वगैरह देख लेते हैं जो हमने इसमें डालनी, जो पहले से मैंने भिगो के रखी हुई है। यहाँ मसूर की दाल है 1/2 कप, चना दाल 1/2 कप, मूंग दाल 1/2 कप, माश की दाल 1/2 कप, ठीक है। ये चारों दालें हमने 1/2 कप ली हैं, साथ ही ये जौ रखे हुए बाड़े 2 कप है ये, और ये चावल हैं ये तकरीबन 1/2 कप, ठीक है। साथ ही मैं ओट्स डालूंगी, यहाँ पर 200 ग्राम के करीब होंगे ये,
चाहे तो आप गंदम अलग से लेके उबी को के भी डाल सकते हैं। ग्रैंड टमाटर 4 बिग साइज के लिए, हल्दी है 1 टीस्पून, मिर्च है 1 टेबल स्पून और ये चिकन क्यूब्स 4 मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, पानी आप जितनी ज़रूरत होगी उतना हम डाल लें। ठीक है, चले बस अब इन सब चीज़ों को भगवानी में डाल। यहाँ पर मैंने चूल्हा जलाया हुआ है, पहले से ऑन किया हुआ है, तो उसमें मैं 4 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ। ठीक है, इधर मैंने मसूर की दाल डाल दी है, इसमें 1/2 कप है ये। ठीक है, साथ ही इधर मैं चने की दाल डाल रही हूँ, 1/2 कप है ये भी। सारी जो 4 दालें मैं इधर यूज़ कर रही हूँ और चारों की चारों दालें 1/2 1/2 कप ली। ठीक है, माश दाल है ये 1/2 कप है ये भी, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये मूंग की दाल है ये भी मैं इसमें डाल। अगर कोई दाल आपके पास मिसिंग है तो आप उसके बगैर भी हलीम को बना सकते हैं। ठीक है, और ये बाड़ले हैं जौ, ये भी भीगे हुए पहले से 2 कप हैं, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इस वक्त आप ध्यान रखिएगा कि हम इस वक्त इसमें चावल नहीं डालें, क्योंकि अगर चावल डालेंगे तो वो नीचे जलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो बस ये, और बाकी की अब जो हल्दी है 1 टीस्पून है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। मिर्च है ये लाल मिर्च पाउडर, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही इसमें मैं नमक के लिए चिकन क्यूब्स इस्तेमाल कर रही हूँ, 4 अदद हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूँ। ठीक है, इसको मैं चला लिया है मैंने। अब यहाँ पे जो टमाटर मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे 4 बिग साइज हैं ये भी मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, बस ये अब इसको हम पकने देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और डालूँगी ताकि ये सूखा सूखा सा ना पड़े। ठीक है, तकरीबन 4 टेबल स्पून आप ऑयल डाल दीजिए इसमें। चलो, ये हमने ऑयल भी डाल दिया, बस अब इसको मैं 20 से 30 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये गल जाए अच्छी तरीके से। चलें जी, 20 से 30 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और अब आप देख सकते हैं पानी भी थोड़ा कम हो गया है। बस अब इस स्टेज पर जो है हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ठीक है, जो तकरीबन 1/2 कप भीगे हुए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा लगे। ठीक है, बासमती राइस लीजिएगा क्योंकि वो फ़ौरन से हलवा हो जाते हैं। चलें जी, ये भी इसमें मिक्स करके मैं इसको बंद कर देती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, ताकि चावल भी इसमें पक जाए अच्छी तरह। चलें जी, अब आप इसको चेक करते हैं थोड़ी सी देर के बाद, तकरीबन 10-15 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन। अब हम इसको ग्राइंडर के जग में डालकर मैं इसको पीस रही हूँ। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इसको आप डोई की मदद से भी हलवा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे ग्राइंडर में डाल के पीस। ठीक है, ठंडा करने पे डालिएगा, ठंडा हो जाए तो, लेकिन मैं यहाँ गर्म ही पीस रही हूँ। चले, अब हमारी दालें पिस गई हैं, अब हमने उसी भगोने में इसको लौट लिया है। ठीक है, थोड़ा सा उस जग को भी मैंने साफ करके इसमें डाल दिया है पानी से, और अब आप देख सकते हैं ये पतला है अभी, और इसे और अभी पकने की ज़रूरत है, तो बस अब हम इसको पकने देंगे थोड़ी सी देर और देख सकते हैं आप, ये देखें पतला है अभी, इसे हमें गाढ़ा करना है अच्छी तरीके से पका हुआ हो जाए। तो बस अब इसको मैं ज़रा साइड पे कर देती हूँ, इतनी देर हम गोश्त को देखते हैं। ठीक है, चलें, यहाँ पे हमारा कुकर भी बंद हो रहा है लग गया है, इसको मैं विसल को निकाल लेती हूँ। और ये गोश्त के हालात भी आप देख सकते हैं, ये अच्छी तरीके से गल गया है। बस अब इसको भी मैं क्या करूँगी कि उसी जग में जिसमें मैंने अभी दालें पीसी हैं उसी में इस गोश्त को डालकर ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं पीसूँगी क्योंकि बिल्कुल हलवा पेस्ट नहीं बनाना हमने, बस इसका रेशा रेशा अलग करना है। ठीक है, तो चलें मैं इसको निकाल के उसमें पीस लूँ। ये हमारा गोश्त भी पिस गया है और इसको अब मैंने इसके अंदर डाल देना है, जो दालें पक रही थी ना उसी में मैं इसमें, आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवा नहीं किया है, रेशा इसमें से आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस इस स्टेज पे हमने इसे दालों में डाल देना है और इसको अच्छी तरीके से हमें इसमें मिक्स करना है ताकि कहीं पे भी इसकी गुठलियाँ ना बनी रह जाएँ। थोड़ा सा पानी भी मैं डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। जहाँ जहाँ आपको लम्स महसूस हो तो वहाँ वहाँ इसको चमचे की मदद से इसको
पीस लीजिएगा। ठीक है, चलें यहाँ पर आप देखें ये जो ओट्स रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इससे होगा क्या, एक तो ये किसका मज़ा ही इससे है और दूसरा ये जितना पतला हुआ हुआ है ये सारा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप उसको देखते हुए आप इसमें डालिएगा। यहाँ पे तकरीबन मैं 200 ग्राम्स डालूंगी इसमें थोड़ा थोड़ा करके। बस इसको साथ ही साथ मैं मिक्स भी करती चली जाऊंगी। ये आप देख सकते हैं जहाँ मुझे लम्स फील हो रहा है उसको मैं प्रेस कर रही हूँ चमचे की मदद से ही। ठीक है, अब साथ ही ये चाट मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। चाट मसाला डालने से पहले थोड़ा सा नमक को आप ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम है तो ही डालिएगा वरना नहीं। ठीक है, बस जी इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी देर इसको पकाते चले जाएंगे ताकि ये गाढ़ा भी हो जाए और मिक्स भी हो जाए अच्छी तरह। ठीक है, थोड़ा सा मैंने चमचा यहाँ पे चेंज कर लिया है ताकि इसको आसानी के साथ मैं प्रेस कर सकूँ जहाँ मुझे लम्स फील हों इसमें। चलो ये हमारा तकरीबन तैयारी पर आ गया है, आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा गाढ़ा भी हो गया है। बस अब इसको निकाल रही हूँ मैं सर्विंग डिश में, रेडी टू सर्व है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी लगा होगा कि बहुत जल्दी से तैयार हो गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप इसको, इसका गाढ़ापन भी देख सकते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान और बहुत जल्द बन जाने वाला कम टाइम में, क्योंकि हलीम बहुत ज़्यादा टाइम देता है बनने में, लेकिन ये बहुत जल्दी से मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी बना है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। इसके साथ ही मन्नत को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको फौरन पहुंच सके।